नंबर एक। ट्रेन से सफर करने वालों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि अगर इसी पटरी पर दूसरी ट्रेन आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसे कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल होता है और इसी वजह से जान माल के नुकसान का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसी नुकसान को रोकने के लिए हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ऐसी तकनीक कवच का ट्रायल करवाया, जहां खुद एक तरफ रेल के इंजन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव थे तो दूसरी ट्रेन में अन्य रेलवे अधिकारी। अब दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर थी, दोनों के बीच की दूरी 380 मीटर थी और जैसे ही इससे आगे लोको पायलट ने ट्रेन बढ़ाने की कोशिश की, ट्रेन में सायरन बजने लगा। सबसे खास बात यह रही कि इसी निश्चित दूरी पर यानी कि 380 मीटर से पहले ही ट्रेन अपने आप रुक गई। मतलब ये हुआ कि कवच टेक्नोलॉजी से किसी भी स्थिति में अगर दो ट्रेन एक पटरी पर आ जाती हैं तो वो आपस में नहीं टकराएंगी। नंबर दो। गाइस, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जीत का डंका बजा दिया है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई है। सीएम योगी अपनी गोरखपुर सीट पर 1,02,000 वोटों के भारी अंतर से जीते हैं। वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बनी है, पर पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सत्ता पे काबिज नहीं हो पाए और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली।